आप कब्ज से या आपके पाचन से हमेशा बहुत परेशान रहते हैं। कब्जी आपको हमेशा बहुत सताती रहती है, उसकी वजह से आप बहुत सारे रोगों से ग्रस्त रहते हैं। अगर हाँ तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी बहुत ही सिंपल मार्मिक अदंगर चिकित्सा बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपनी बहुत ही लंबी कब्ज को भी बहुत आसानी से अपने नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा ज्यादा और सहजता से जी पाए। कब्ज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो आप और हम जानते हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो आप और हम नहीं जानते। उनमें से डेफिनेटली कुछ कारण ऐसे हैं जो आप उसे डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका बहुत तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, या आपके ऐसे कोई खाने जो आपको पाचन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन फूड, और उसी के साथ अगर आप कम पानी पीते हैं या आप कम फाइबरस खाना खाते हैं, यानी कम फल और फ्रूट खाते हैं, उनसे भी बहुत कब्ज होती है। या कब्ज के दूसरे होने के कारण इस आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकती है। कारण तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, पर इन सभी में एक बहुत ही अच्छी मार्मिक अदंगर चिकित्सा जो काम करती है वो है आपकी इंद्रवस्थि। जी हाँ, आपकी इंद्रवस्थि स्थित होती है आपके बिल्कुल घुटने के नीचे, बिल्कुल घुटने के नीचे पर पीछे की ओर। आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए आपका घुटना यहाँ पर स्थित होता है, आपके घुटने के बिल्कुल पीछे चार अंगुल नीचे एग्जैक्टली यहाँ पर आपका इंद्रवस्थि स्थित होता है। अब ये जो अदंगर है ये आपका कंट्रोल करता है अन्नवाह स्रोत, उसमें स्पेसिफिकली आपका पाचक पित्त इससे कंट्रोल रहता है, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी पूरी तरह से अग्नि और सामान और आपान वायु, ये सारी चीजों को ये स्पेसिफिक इंद्रवस्थि अदंगर या इंद्रवस्थि वर्माई कंट्रोल करती है। इसे करने से पहले आप क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरह से उत्प्रेरित कर लेंगे और उसके बाद आप कम से कम 5 मिनट दोनों पैर पे, लेफ्ट और राइट दोनों पैर पे 5-5 मिनट इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने इंद्रवस्थि को उत्प्रेरित कीजिए। दूसरी जो पद्धति है उसमें आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली 4 अंगुल नीचे आपके, तो उसमें आपको करना क्या है, आप इस तरह से एक एक सेकंड का स्टिमुलस देंगे 15 से 18 बार। अब आप इसे कर सकते हैं सुबह में और शाम में, और आप इसे आपके पेट खाली करने से पहले भी आराम से कर सकते हैं। पूरी क्रिया आपको आपकी कब्ज से राहत दिलाने में बहुत उपयोगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल यहाँ पर है। अगले वीडियो तक नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे वीडियोज को देखने के लिए।